अब दोस्तों फाइनली पाकिस्तान के अंदर सचिन सागर 2.0 जो गेम है वो लॉगिन हो गया है। तो आपको पता होगा कि पहले नहीं हो रहा था, तो मैंने बोला भी था लास्ट वाले वीडियो पर, तो मैंने ये भी बोला था कुछ भाइयों को, मतलब कि पाकिस्तान के कुछ भाइयों को, कि गेम प्ले सेंड करने को अगर लॉगिन हो जाता है तो, ताकि मैं उनके ऊपर वीडियोस बना सकूं। तो थैंक्स टू फिलहाल ऑल कराची ऑफिशियल्स भाई जिन्होंने मुझे ये गेम प्ले को सेंड किया है। और अगर मैं ये ऑडियो रिकॉर्ड करने के बाद भी कोई मुझे सेंड करता है तो उनका भी क्लिप्स मैं ऐड कर दूंगा और उनका भी क्रेडिट मैं नीचे दे दूंगा। तो ऑल क्रेडिट्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। अब उन सब को छोड़ के अगर हम बात करें गेम के बारे में, तो सबसे पहले बात करते हैं गेम के मेन्यू के बारे में। तो गेम का मेन्यू कुछ इस तरीके का दिख रहा है फिलहाल, जो कि काफ़ी ठीक ठाक तो लग रहा है मेरे को। इसके अंदर आपको सचिन का जर्नी देखने को मिल जाता है, क्विक प्ले मैच देखने को मिल जाता है, फिर टेस्ट मैच देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर टूर्नामेंट सेक्शन भी नज़र आ रहा है मेरे को, और बाकी मल्टीप्लेयर कमिंग सून लिखा हुआ है। तो उसके बाद आपको सचिन सर का एक अचीवमेंट सेक्शन या फिर गैलरी सेक्शन भी देखने को मिलता है, जो हमें गेम के टीज़र पर भी उसका एक झलक देखने को मिला था। तो यहाँ पर आपको ये सिर्फ देखने को मिलता है। तो उसके अंदर बेसिकली आपको उनके साइंड बॉल बैट तो वो सब देखने को मिल जाता है। अब ये आके हमें घर दे के जाएंगे या फिर बस गेम के अंदर ही होगा वो पता नहीं। तो मजाक कर रहा हूँ यार, आई नो कि बहुत ही ज़्यादा बाहियात जोक था, तो इतना भी उल्लू नहीं हो, तो गेम के अंदर ही यूज़ होता होगा, तो ये तो जाहिर सी बात है। अब बाकी इसके अंदर गेम प्ले की बात करें तो, पर उससे पहले हम देखते हैं कि मतलब कि टीम सिलेक्ट करने का हमें ऑप्शन मिल जाता है। तो अब उसके अंदर हम बहुत डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टीम्स है जिनको लेके आप मैच को खेल पाओगे बेसिकली। तो ये सब चीज़ है और ये काफ़ी सारा चीज़ जो है वो डायनामिक नज़र आ रहा है, जो मेरे को तो काफ़ी बढ़िया लगा। बाकी इसके बाद शुरू होता है गेम प्ले। तो टॉस वाला सीन आप इधर देख सकते हो, और अच्छी बात यह है कि जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था इट इज़ एक्चुअली लुकिंग बेटर दैन दैट। और ख़ास करके ये जो डायनामिक UI इन्होंने डेवलप किया है, बनाया है, क्रिएट किया है, तो मेरे को ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। अब गेम प्ले का इतना आइडिया तो मुझे पता नहीं लग रहा है, जब तक मैं खुद नहीं खेल लेता तब तक तो मैं क्लियरली नहीं बता पाऊंगा गेम के मैकेनिज्म, फिजिक्स, डिफिकल्टीज तो ये सब के ऊपर, पर जितना भी मुझे दिख रहा है इट इज़ एक्चुअली लुकिंग गुड। और जो गेम का ओवरले पार्ट है ना, तो वो मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा, इट इज़ रियली लुकिंग लाइक BCCI वाला। तो BCCI वाला बढ़िया नाम सुनाई दे रहा है ना, फिजिक्स वाला, BCCI वाला। आई नो ये भी बहुत ही ज़्यादा बाहिया जोक था। खैर बाकी जो चीज़ मुझे सबसे अलग नज़र आया और अच्छा भी नज़र आया वो ये था कि यार इसमें प्लेयर्स जो है वो थोड़े थोड़े बड़े नज़र आ रहे हैं, जो हमेशा से ही मेरा एक ड्रीम फीचर रहा है। क्योंकि रियल में जो प्लेयर्स है विराट कोहली, रोहित शर्मा, सारे थोड़े थोड़े ना बड़े बड़े नज़र आते हैं, ठीक है, और वहीं गेम के अंदर उनके साइज़ छोटे पड़ जाते हैं, तो मज़ा नहीं आता है ना। तो आई रियली होप कि इसके अंदर भी ऐसा ना हो, और जैसा मुझे यहाँ से दिख रहा है बिल्कुल गेम प्ले वैसा ही हो, प्लेयर्स थोड़े बड़े नज़र आए और बाकी सब चीज़ भी एकदम बढ़िया हो। बाकी इसके अंदर सिक्स लगाना कितना डिफिकल्ट है, चौका लगाना कितना डिफिकल्ट है, गेम प्ले कैसा क्या कुछ है, तो जब तक वो गेम इंडिया के अंदर रिलीज़ होता है उसके बाद ही हम लोग सारा चीज़ एकदम डिटेल में देखेंगे। फिलहाल इस वाले रिव्यू पर बस इतना ही, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दो, और अपन लोग मिलते हैं अगले वाले वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय।